तहदिल से सभी को मुबारकबाद देते हैं। आज उन्होंने पार्टी में शमूलियत की और उम्मीद करते हैं कि इसी जोश इसी बलबले से जो है हम आज ये अहद करते हैं कि हम पीडीपी का दामन जो है मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। की कमी है, आज जुमा है, इसके लिए मैं आपको और इस सबके बीच में जो हमारे नौजवानों के बीच में गुस्सा पनपता गया और वो किस सूरत में फूटा वो तारीख के पन्नों में दर्ज है। आज भी जो माहौल बनाया जा रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है नौजवान पर है। कुछ ताकतें चाहती है कि आप डरें, आप कांपें, आप परेशान हो, और जब आप डरे परेशान हो आपके पास कोई और तरीका ना हो, आप सड़कों पे निकले पत्थर मारे, आप बंदूक उठाए ताकि जब हम आपको मारे तो हम इस मुल्क में कह सकते हैं देखो आप किस तरह जो है यहां पे लोगों को मार रहे हैं। आपके सरों और आपके कब्रों को अपना इनाम के तौर पे पेश किया जाए। कुछ ताकतें चाहती है कि आप गुमराह हो, लेकिन मेरे भाइयों मैं कल भी ये बात कह रहा था, जो माहौल बना है उस माहौल से बाहर अगर कोई निकाल सकता है वो सिर्फ नौजवान निकाल सकता है, और नौजवान भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल बटन के जरिए ये जंग जो है वो जीत सकता है। अब दिन भर फेसबुक पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कोई मर जाता है जिनाजे में बैठते हैं और क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म, और ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यहां पे मुश्किल है, वहां पे परेशानी है। लेती नहीं थी आजादी तो छोड़िए, इजाजत तक नहीं थी। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सारे के सारे हमसे छीन लिए गए। हमारे मोबाइल फोन बंद, लैंडलाइन फोन बंद, कोई चिट्ठी भी नहीं भेज सकता था कि उनके घर में जो पीछे है वो लोग जिंदा है या मर गए हैं, क्या क्या हिसाब किताब हो रहा है उनके साथ। कोई खबर नहीं ले सकता था एक दूसरे की, और पूरे के पूरे हमारी रियासत को एक जेल के अंदर तब्दील कर दिया गया था। हर वो आवाज जो बोलने वाली थी उस आवाज को दबा दिया गया। हमें वो वक्त नहीं भूलना है कि हमारे साथ किस तरह की ज्यादतियां हुई है। हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी, मैं आज भी उनको सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आज रियासत के अंदर वाहिद एक वो लीडर है जो मरकजी हुकूमतों के साथ आज आंखों से आंखें मिला के उनका मुकाबला कर रही है। उकाबाज को कहते जिनकी मिसाल अभी परवेज साहब भी दे रहे थे, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, यानी हर जवान के अंदर उकाबी रूह होती है, उसे बेदार करने की जरूरत है। हर जवान के अंदर बाज जैसी सलाहियत, एक बाज की रूह होती है, उसे बेदार करने की जरूरत है, अलामा इकबाल ने कहा। और जब जवान के अंदर उस अकाबी रूह जब बेदार होती है तो उसे अपनी मंजिल आसमान में दिखती है, वही अकाबी रूह बेदार करने की जरूरत है। वो रूह जब बेदार होगी, नौजवान जब बेदार होगा तो इनकलाब आएगा। दुनिया का कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है जिसमें जवानों ने पेश रहकर उसे कामयाब बनाया। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की योम आजादी के मौके पर हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बान हुए थे, लेकिन भगत सिंह का नाम हर कोई बड़े शान और फख्र के साथ लेता है, राजगुरु का नाम लेता है, अशफाक उल्लाह खान का नाम लेता है, क्योंकि वो जवान थे। इसलिए मेरे भाइयों, मीडिया पर या किसी भी खुली जगह पर रियासत जम्मू कश्मीर में होने वाली बर्बरियत के बारे में बात नहीं करता था,
मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और उनकी टीम हमारे रियासत में ये एजाज रखते हैं, इस हसीयत के मजाज हैं कि इस इंतहाई बर्बरियत और गोनागा व मसाइब इंतहाई मुश्किलात में रियासत जम्मू कश्मीर की माकूल, यहां के रियासती अवाम की माकूल तर्जमानी, बामाने तर्जमानी जो रियासत जम्मू कश्मीर के पहाड़ में रहने वाला इंसान चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो यहां के शहर में रहने वाला इंसान चाहता है, जो यहां के ताजिर की ख्वाहिश है, जो यहां के मुलाजिम की ख्वाहिश है, वो एक आवाज बनकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त दुनिया के सामने है। हमें इस बात में फख्र है कि हम इस कारवां का हिस्सा हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मौजूदा दौर में यह हमारा एक कौमी फरीजा है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का कि हम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत करें और रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हल के लिए जो पार्टी की आवाज है उसमें अपनी आवाज मिलाएं। मैं आपको एक इस्लामिक स्कॉलर सईद अबू अला मादूदी का एक कौल नोट कराता हूं। नहीं है, आप देखिए मुफ्ती साहब की एहलिया को दूसरे चौथे रोज हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे कि उनको बुलाया जाता है। तो ये बदकिस्मती का आलम है कि आज जो भी बात करता है उसको दबाया जाता है। लेकिन हमें फख्र है और पूरे जम्मू कश्मीर को नाज है कि हमारे बीच एक ऐसी लीडर है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो आज भी हमने परसों देखा, सभी लोगों ने देखा होगा कि जब उनकी वालदा को ईडी ने बुलाया, फिर से समन निकाले क्योंकि मैडम ने 5 अगस्त को प्रोटेस्ट किया, वो सब लोगों के सामने, तो दूसरे दिन फिर से ईडी के समन, लेकिन वहां से निकल के फिर हमारी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दो टोक अल्फाजों में कहा कि हम कभी भी अपनी स्टेट के लिए कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हक हमसे छीना गया है, जो हमारे नौजवानों का रोजगार हमसे छीनने की